हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। आज मैं अभी किचन में हूँ और देखिए मैंने फेस पे भी कुछ भी नहीं लगाया, लिपस्टिक लगाई है, सिंदूर लगाया है। और अभी आप लोगों ने कहा था कि आप दीदी ब्लॉगिंग किया करो, अच्छा लगता है। तो कभी कभी एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ में और शेयर करना चाहूंगी। अभी बज रहे हैं 11:30 और मैं कृष्णा के लिए थोड़ा सा कुछ बना रही हूँ, तो मैंने कहा आप लोग के साथ मैं शेयर कर देती हूँ। काफी हेल्दी है और मैं भी खाती हूँ, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, तो हम वीक में 2 टाइम इसको जरूर खाते हैं। तो रात में जैसे दूध वगैरह हम लेते हैं ना, तब भी हम इसको बना करके खाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप लोग को पसंद आती है रेसिपी, तो और भी आप रेसिपी अगर चाहते हो तो मैं आप लोग को सिखाऊंगी इंस्टेंट रेसिपी, बहुत ज्यादा झंझट नहीं होगी उसमें और काफी टेस्टी भी लगेगा, मुझे तो बहुत पसंद है ये। और बाकी आप लोग भी बनाकर ट्राई करिएगा और अच्छा लगेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा और बनाकर खाइएगा भी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और देखिए पता है क्या, एक्चुअली यहाँ पर लाइट नहीं आ रही है और एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मेरे से बोला था दीदी फेस की जो हेयर होते हैं उसको कैसे क्लीन करते हैं उस पर वीडियो देना। तो मैं थोड़े से अपने बालों की, देखिए फेस पे मेरे जो हेयर हैं वो हो रहे हैं स्टार्ट, और मैं उनके वो रेमेडी जो है वो शेयर करूंगी। और देखिए मैंने अपने हैंड की पॉलिशिंग करी थी तो मेरा हैंड कितना क्लीन सा लग रहा है ना, और फेस भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्लीन सा लग रहा है। मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना गाइस कि आप लोग अपने फेस को ऐसे ही छोड़ दिया करो विदाउट मेकअप। क्या होता है ना, जब हमारी फेस पे कोई मेकअप नहीं रहता तो हमारी जो स्किन होती है वो अच्छे से सांस ले रही होती है, भूख ले रही होती है। बस मैंने सुबह स्टीम लिया था, अपना जो राइस वाटर वाला टोनर है वो यूज किया था, और उसके बाद से मैंने अपने फेस पे अभी कुछ भी नहीं लगाया है। और अभी मेरा मन हो रहा था तो मैंने कहा चलो आप लोग के साथ में ये ब्लॉग शूट कर शेयर कर देती हूँ। और आई होप अगर अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को खूब सारा सब्सक्राइब करके जल्दी से उस पर भी 50,000 के कर दीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत ज्यादा इंट्रो कर लिया है मैंने ना, तो वैसे भी इस पर तो हेटर्स कुछ भी नहीं बोलेंगे चाहे मैं कितनी भी इंट्रो करूँ इसमें, बिकॉज ये तो चैनल ही है इसलिए बातें करने के लिए, और आप लोग को मेरी बातें अच्छी लगती हैं और आप लोग का इतना प्यार मुझे मिल रहा है। तो गाइस बस प्लीज इसी तरह अपना प्यार बना के रखे रहिएगा। मैं आपको स्किन केयर, वेट लूज पे, प्रेगनेंसी के बारे में या फिर जो डाइट होती है उसके बारे में, हेयर केयर, स्किन केयर, सारी वीडियोस शेयर करूंगी आप लोग के साथ में, और आप लोग को अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा। और भी ब्लॉग चाहिए होंगे तो बताइएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें चाहिए। और इतनी सी बनाओगे ना आप, इतनी सी लोगे ना तो वो इतनी सारी हो जाती है। चलिए प्लीज स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने ये कढ़ाई ली है और काफी भारी है ये कढ़ाई जो है, और इसका जो तला है बहुत ही हैवी है और वेटेड है, तो इस टाइप की आपको कढ़ाई लेनी है, ठीक है। और उसके बाद से हम इसमें डालेंगे देसी घी। अभी मैंने इस कढ़ाई को थोड़ा सा वॉश किया है बिकॉज मेरी आदत है बर्तन जो वॉश किए हुए भी रहते ना, फिर भी मैं जब मुझे बनाना होता है तो मैं उसे वॉश करके फिर ही बनाती हूँ, तो इसलिए मैंने इसको वॉश किया है। अब देखिए इसमें से धुआं निकल रहा है, मतलब स्टीम निकल रही है जो पानी इसमें हुआ था, जैसे वॉश करते ना तो पानी रह जाता है इसमें, तो स्टीम निकल रही है, ये अच्छे से गर्म हो जाएगा। तब तक मैं और सारी चीजें ले लेती हूँ। और ये है मेरा ट्रे, इसमें लूंगी मैं ड्राई फ्रूट बिकॉज जो रेसिपी मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ बहुत टेस्टी लगती है। मैं ज्यादा नहीं बनाऊंगी, मैं इसको जब हमें खाना होता है ना जस्ट हम तभी बनाते हैं और उसी समय खाते हैं, बिकॉज ये गरम गरम ही अच्छी लगती है, ठंडी नहीं अच्छी लगती है। तो इसमें आप डालेंगे खूब ढेर सारा ड्राई फ्रूट्स, तो मैं इतने सारे ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। कृष्णा कर रहा है मम 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 ऐसे बोलता है कृष्णा मेला, और इसको हम बस कट कर लेंगे या फिर आप छोटे छोटे तोड़ लीजिए। और जो ये किशमिश है हम किशमिश को ऐसे ही रहने देंगे। बिकॉज ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है, आपकी हेयर के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, स्किन के लिए भी। गाइज जो ब्यूटी होती है ना, ब्यूटी ऐसी होनी चाहिए कि विदाउट मेकअप भी आप बहुत खूबसूरत लोग, जो मेरा मानना है। और आप लोग कितने लोग एग्री हैं वो लोग जरूर से जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो अब हमने ये ड्राई फ्रूट्स कट कर लिए हैं, और आलमंड्स को भी मैं बस 20 से ही 2 कर दूंगी, जैसे कि ये देखिए ऐसे करके। और ये हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, इसको हम धीमा कर देंगे फ्लेम को और इसको कट कर लेते हैं। बिकॉज ठंडियों में ना आलमंड आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। एक आलमंड वाला जो स्क्रब होता है ना, मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगी, वो बॉयज के लिए बहुत ही अच्छा है, बिकॉज जो उनकी स्किन होती है ना वो बाहर जाते हैं ज्यादा, तो जैसे बाइक वगैरह पे जा रहे हैं तो बिल्कुल हवा जो होती है ना फेस पे ही पड़ती है, तो मैं बॉयज के लिए आलमंड का स्क्रब जरूर से जरूर शेयर करूंगी।
इतना अच्छा है, बहुत ही इफेक्टिव है, उसको हम भी लगा सकते हैं, बट हम ऑलरेडी घर में भी सारी चीजें करते हैं तो इसलिए उनके लिए भी कुछ सोचना पड़ता है। तो मैं अपने हस्बैंड को लगाती हूँ कभी कभी, तो उनको अच्छा फील होता है। अब देखिए मैंने ये ड्राई फ्रूट्स अपने कट कर लिए हैं और इसके बाद से मैं डालूंगी इसमें घी। आपको घी डालना है बहुत सारा, देसी घी है ये, गाय की है। मैं बस इतना ही बना रही हूँ कि मैं और कृष्णा खाएंगे, क्योंकि इनके डैडू तो है नहीं, वो तो चले गए हैं, और मुझे कृष्णा को बहुत ही हेल्दी फूड देना होता है क्योंकि कृष्णा अभी छोटा है ना, तो उसका ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए और ये है नारियल सूखा हुआ, तो इसको भी हम ग्रेट कर लेंगे फटाफट से जब तक हमारी घी मेल्ट हो रही है। आई थिंक आप लोग को सब कुछ दिख रहा हो। गाइज आप लोग इसको ट्राई जरूर करिएगा बिकॉज ये बहुत टेस्टी लगता है। तो गाइस देखिए हमने इसको ग्रेट कर लिया है अच्छे से, ये देखिए, और इसको भी हम इसी वाले ड्राई फ्रूट्स में ऐड कर देंगे। इसको वॉश कर लीजिए। तो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारी घी है बहुत अच्छे से गर्म हो गई है, ठीक है, और ये जो हम कोई भी चीजें, जो चीजें हम लेंगे, चाहे वो आटा हो चाहे वो आपका बेसन हो, तो उसको आपको इस टाइप के चमचे से ही मेजर करना है, ठीक है। और ये देखिए मैंने ये पूरा भर के एक चमचा लिया है, और आटा है ये, इसको मैं पूरे घी में डाल दूंगी और इसको चलाऊंगी ऐसे ऐसे करके। ये देखिए चमचे के आधे से, ठीक है, हम लेंगे यहाँ पर बेसन, ये वाला, मतलब जैसे एक चमचा आपने आटा लिया है तो दूसरा आपको लेना है, जो बेसन लोगे आप वो आधा होना चाहिए। तो ये देखिए मैं बेसन ले रही हूँ आधा, और इसको भी ऐसे राउंड राउंड करके घुमाएंगे, बस इसको छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है, चलाते ही रहना है। और ये फिर धीरे 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 करके लाल होना स्टार्ट हो जाएगा। एक दो मिनट के लिए आप छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम ऐसे ऐसे चलाते रहेंगे जब तक ये थोड़ा सा रेडिश कलर में ना आ जाए, और फ्लेम को आप तेज कर लीजिए। जब आप इसको चलाते रहेंगे तो इसमें जलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। कृष्णा को देखिए कितनी तेज से चिल्ला रहा है, मस्ती कर रहा। गाइज ये इतना अच्छा लगता है ना, मैं बार बार 10 बार बोल चुकी हूँ इस वीडियो में कि ये इतना अच्छा लगता है, ये इतना अच्छा लगता है, बट गाइज बहुत, सच में ट्रस्ट मी, बहुत टेस्टी लगता है ये। आप इसको बनाइएगा और खाइएगा, फिर शेयर करिएगा। देखिए इसका कलर चेंज होने लगा ना, आप लोग को लग रहा होगा इसमें कुछ रेड रेड सा आ रहा है, मैं दिख रही हूँ। और ये देखिए इतना बड़ा ग्लास होगा हमारा, इसी ग्लास में हम भर के एक गिलास पानी लेंगे। इसको
इसको लाल लाल करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, जब तक इस पे गोल्डन कलर ना आ जाए। और जलाना नहीं है आपको इसको, बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे इसको पकाना है अच्छे से। ये देखिए जो गोल्डन कलर हमें चाहिए था वो कलर आ चुका है फाइनली, आई थिंक आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। और अब हम इसमें डाल देंगे अपना ये पूरा पानी। और इसकी जो फ्लेम होगी आपकी उसको कर देंगे बिल्कुल लो, ठीक है। और उसको आपको चलाते ही रहना है, ठीक है, या फिर आप लो कर दीजिए और उसके बाद एक गिलास भर के पानी और डाल दीजिए, ठीक है। इसमें लम्स नहीं बनने चाहिए बिल्कुल भी, जब आप घी डालोगे ना इसमें प्रॉपर तरीके से तो इसमें लम्स नहीं आएंगे, ये देखिए बिल्कुल भी लम्स नहीं है इसमें। और ये सारे ड्राई फ्रूट्स हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद से हम इसमें ऐड करेंगे चीनी, बिल्कुल लो फ्लेम कर दीजिए और सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं फिर विदाउट किसी हेल्प की, किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसमें आप चीनी डाल दीजिए, चीनी अच्छा खासा डालिएगा बिकॉज ये है कड़ा प्रसाद और ये बहुत टेस्टी लगता है। तो आप इसमें जब चीनी डालोगे तो चीनी अच्छे से डालना, मीठा होना चाहिए। और बस इसको अच्छे से चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे। देखिए मैंने कितना कम लिया था सब कुछ और ये कितना ज्यादा हो गया है, और देखिए एक भी लम्स नहीं पड़े हैं इसमें। आई होप आप लोग को ये सब दिख रहा होगा अच्छे से। मैं कैमरे को थोड़ा सा और पास कर देती हूँ और अब हम इसको थोड़ा सा तेज कर देंगे जिससे कि ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाए। बस बेटा रेडी हो गया, बस बेटू और इसको चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे, ये धीरे 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 गाढ़ा हो जाएगा। गाइज मैं आप लोग को कृष्णा से मिलाती हूँ जब तक ये मेरा गाढ़ा हो रहा है बिकॉज वो रो रहा है, तो इसका भी काम चलता रहेगा और हम आपसे बात भी करते रहेंगे। आओ आ जाओ, चुपचाप बोले तो कि नहीं चुपचाप, हाँ बोले तो। और देखो कृष्णा, और देखो बेटू जिसको, बस चलाते रहेंगे ठीक है। और ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है और इसमें जो बाउल बनने लगे ना छोटे छोटे से बबूले, जैसे बारिश होती है तो पानी होता है तो उसमें पड़ने नहीं लगती, बुलबुले होने लगती हैं, ये बुलबुले ना इसमें स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद भी आपको चलाते रहना है इसको, क्योंकि थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाएगा ना तो सही रहेगा। ये देखिए और देखिए इसमें एक भी लम्स नहीं पड़े हैं, गांठे नहीं पड़ी है बिकॉज इसको बनाने का यही तरीका है। अगर इसमें गांठे पड़ जाती है ना तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है टेस्ट, उसका मजा भी नहीं आती है खाने में। और इसको आप ना गरम करके भी खा सकते हैं, जैसे आपने इसको बना लिया है और आपके पास ज्यादा बन गया है तो आप इसको रख दीजिए और उसके बाद ये ना गरम करके भी आप खा सकते हैं। बट जब आप इसको गरम करेंगे तो बहुत ही केयरफुली गरम करना है आपको,
बिकॉज इसमें क्या है ना कि जैसे आप इसको एकदम से गर्म करेंगे ना तो ये भी हो जाएगा कि जलने का डर रहता है, तो इसको आप बिल्कुल लो फ्लेम पे गर्म कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसको ट्राई जरूर करिएगा आप लोग एक बार मेरे कहने पे। और जो जो ट्राई करेगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो भी ठीक है, कोई बात नहीं गाइस, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। बट आई एम श्योर आप लोग को बहुत पसंद आएगा, बट इसको गर्म ही खाना है ठीक है। देखिए ये रेडी हो चुका है, तो ये हो गया है रेडी और इसको चलिए सर्व कर लेते हैं। मैं कृष्णा को बैठा देती हूँ वॉकर में और गैस को ऑफ कर देते हैं। बस आपको इतनी ही इसकी, तो गाइस आइए इसको सर्व कर लेते हैं खाने के लिए। तो देखिए ये हमारा रेडी हो चुका है और ऑलरेडी मैंने इसमें इतने सारे ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, तो आपको ऊपर से इसको डेकोरेट करने की जरूरत नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, आप कर भी सकते हो अगर आप अपने गेस्ट के लिए बना रहे हो, बिकॉज ये बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही टेस्टी होता है ठीक है। और जो बाकी है इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसको निकाल देंगे। और ये हमने निकाल लिया है और इसको आप चाहे तो डेकोरेट कर दो ड्राई फ्रूट से, और आपकी मर्जी, आपको करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो कोई बात ही नहीं है, बिकॉज इसमें ऑलरेडी पड़ा हुआ है। सो गाइस दिस इज फॉर यू, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अगर ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगा हो, छोटा सा क्यूट सा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और इस रेसिपी को जरूर से जरूर ट्राई करिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। सो बाय फ्रेंड्स, लव यू।